title of the song has been inspired from a very hit song जो yesteryear classic song है but Bon Jovi sir ने एक बहुत अच्छा किया है कि एक नई धुन बनाई है और same जो lyrics हैं उनको उस नई धुन में परोसा है and वो title song है और it's a really beautiful song the melody is amazing and अभी वो release नहीं हुआ है but I'm sure in the coming days वो release हो जाएगा and it will be a new है अपना दिल तो आवारा कहीं ना कहीं वो गाना इतना अच्छा है कि जो पुराना गाना है वो भी अपनी जगह रहेगा और आई एम श्योर ये भी एक अपनी जगह बनाएगा क्योंकि इसकी धुन एक नए अंदाज में पेश की गई है वी बोथ आर प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ इन द फिल्म एंड आई एम अ लॉयर इन द फिल्म एंड अ लिटिल बिट एग्रेसिव एंड एरोगेंट लॉयर एंड आई एम अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर इन द फिल्म वी हैव अ रिजॉर्ट कश्मीर में हमारा एक रिजॉर्ट है जहाँ पे जो बाकी के कपल्स हैं फिल्म में वो लोग छुट्टियाँ बिताने आते हैं और मैं और मेरी वाइफ वी प्ले एज अ होस्ट हम उनको वेलकम करते हैं और फिर आगे रिश्ते किस तरह से बनते हैं बिगड़ते हैं यही कहानी है एक्चुअली वी हैव वी शेयर लाइक वेरी नाइस केमिस्ट्री बिकॉज़ वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी नो हाउ टू एक्ट व्हेन वी आर टुगेदर So it was easy. Like he was great. He's a great actor. So of course he's a senior. He's a great actor. So I didn't have any problem, and we had so much fun on set performing for our scenes. Character mera jo hai wo ek frustrated Gujarati husband ka character hai, newly married, jo apni biwi aur apni maa ke beech mein sandwich bana hua hai dono ke jhagdon mein, aur maar bahut padti hai usko kyunki usko biwi, I mean ye jo play kar rahi hai meri biwi ka kirdar. वो हर चीज़ जो हाथ में आता है वो मारती है टमाटर गाजर और चाकू सबसे मेन तो चाकू फेंक के मारती है तो मेरा करैक्टर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ही परेशान करैक्टर है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है तो वो गुस्सा भी करता है कहीं ना कहीं प्यार भी करता है बीवी से बट वो ऐसा है कि सब कुछ मैं सास के साथ पूरा दिन घर पे रहती हूँ एंड सास इज सो डोमिनेटिंग वो मुझे जो करने के लिए बोलती है समटाइम्स इट्स लाइक नॉट पॉसिबल तो मैं इन्हें समझाती हूँ कि आप प्लीज़ सास से बात कीजिए इट विल बी ईजी फॉर यू कि आपकी मदर है सो इट्स लाइक यार मैं क्या करूँ क्योंकि सास इनकी बात भी नहीं सुनती और मैं सास की बात भी सुनना नहीं चाहती तो बीच में ये बलि का बकरा बनते हैं क्योंकि आई एम लाइक कि आप समझाओ एंड ही इज सास इज लाइक कि तुम उसे समझाओ तो इसलिए ये है तो ये ट्रैक आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा सच बोलूँ तो डिफरेंसेस यहाँ पर इंडस्ट्री में एक छोटा प्रॉब्लम है वो मैं ऐसे प्रॉब्लम समझता हूँ बहुत जल्दी टाइपकास्ट करते हैं सो इफ समबडी इज़ गोना कॉल यू समबडी इज़ गोना ओनली कॉल यू फॉर द काइंड ऑफ रोल्स विच यू हैव बीन पोर्ट्रेड एज तो मैंने पहला ऐड जो कर दिया अगर वो कॉमेडी था जेम्स का एक ऐड किया था राइट दैट वॉज द फर्स्ट ऐड जिसमें सब गिर जाता है हाँ उसके बाद से कॉमेडी ही मिलता है एंड इट्स माई वेरी मतलब ह्यूज स्ट्रगल कि भाई कॉमेडी के अलावा देर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट हाँ आई थिंक दिस इज वन थिंग विच आई एम स्ट्रगलिंग कॉन्स्टेंटली विद दैट आई कैन प्ले मोर कैरेक्टर्स जिसकी वजह से आज तक थिएटर करना चालू रखा है और थिएटर में कोशिश करता हूँ कि लोग आए देखें मुझे सीरियस किरदार में भी देखें सो स्टार्टिंग विद माय कैरेक्टर सॉरी लेडीज फर्स्ट ओके आदत है आदत है मैं पूजा का एक कैरेक्टर निभा रही हूँ द कैरेक्टर इज समवन दैट आई एम इन रियल लाइफ शी इज वर्किंग विद एन एड एजेंसी एंड शी इज मैडली इन लव विद दिस वन गाय एंड दैट इज टोनी somehow there are circumstances where you know sometimes the guy is not serious because the guy is a bit of a flirt and all and the story revolves around that relationship ki you'll get to see that in the end ki hum log shaadi hoti hai nahi hoti hai aur whatever the problems that we have ladki hamesha piche pade rehte hain ki shaadi kar lo shaadi kar lo shaadi kar lo aajkal aur aapko bhi pata hai ki ladke kya jawab dete hain kar lenge And he's kind of completely dependent on me. Like मैं सारे उसके electricity bills pay कर रही हूँ, phone bills pay कर रही हूँ, and at the same time my mother is like after my life. Like girlfriend. So. Hello. आजकल सब दे रहे हैं. मेरा character है कि मैं बहुत ही flirt type of a person हूँ. Flirt हूँ बाहर के साथ, but I'm very serious for her. I'm very serious. Yeah, right. Because she pays my bills, she pays everything, my rent and all. Because I'm a struggler in Bombay. So, but you're a musician. Yeah, I'm a musician. मैं यार struggle time पे मैं musician हूँ कि बनना तो actor जाता हूँ मगर यहाँ कुछ मिल नहीं रहा तो musician बन रहा हूँ तो वही है and she's in madly love with me and my friends are also after me कि शादी कर लो मगर उनकी life में जब मैं देखता हूँ कि भाई they're both married and फिर भी क्या क्या चल रहा है दोनों की अलग अलग ही चल रहा है किसी का कुछ चल रहा है किसी का कुछ चल रहा है तो भैया सॉरी आई कांट जब आपके दोस्त की लाइफ में ही ऐसे चल रहे हैं तो और वो भी आपको बोल रहे होते हैं कि भैया शादी कर लो तो आप इट्स
basically about, you know, it's about relationships, जो आजकल की दुनिया में हो रहा है, like what you would connect, maybe that's happening with your friends, it's exactly that that's happening here. Oh,